क्वेश्चन ये है कि एक स्मूथ वर्टिकल ट्यूब के अंदर एक पिस्टन को रिलीज कर दिया जाता है, और जो पिस्टन है वो L/4 डिस्टेंस नीचे आने के बाद इस पोजीशन में इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेता है। उसके बाद जो गैस है उसका टेम्परेचर हाफ करके ट्यूब को इन्वर्ट कर दिया जाता है, और फाइनली जो पिस्टन है वो अगेन इस पोजीशन पे आके इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेता है। तो हमें पिस्टन का लेंथ फाइंड करना है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। मान लेते हैं कि जो पिस्टन है उसका लेंथ एक्स है, मतलब ये जो हाइट है वो एक्स है, और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे कि पहले तीनों केस में PV=nRT अप्लाई करेंगे, उसके बाद पिस्टन पर नेट फोर्स जीरो अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहले तीनों केस के लिए PV=nRT अप्लाई करते हैं। इनिशियली ये जो गैस है उसका प्रेशर P0 है, दैट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और यहाँ पर गैस का प्रेशर मान लेते हैं P है और गैस का टेम्परेचर T है। ठीक है, और अगेन यहाँ पर गैस का जो टेम्परेचर है वो भी T है, क्योंकि पिस्टन जब L/4 डिस्टेंस नीचे आया है तो गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अगेन यहाँ पर गैस का प्रेशर मान लेते हैं P' और इसका जो टेम्परेचर है वो T/2 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, सोलट सप्लाई PV=nRT। मान लेते हैं कि ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है, सो वी हैव प्रेशर P0 वॉल्यूम A×L =nRg। ठीक है, अगेन इसके लिए भी हो जाएगा प्रेशर दैट इज P वॉल्यूम, तो यहाँ पर गैस का जो लेंथ है ये वाला ये हो जाएगा L-L/4 - x, दैट इज 3L/4 - x। ठीक है, सो द वॉल्यूम विल बी A×3L/4 - x एंड दिस इज इक्वल टू nRT। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अगेन इसके लिए ये हो जाएगा प्रेशर दैट इज P', एरिया इज ए एंड द वॉल्यूम विल बी दिस लेंथ इंटू एरिया। तो अगेन ये जो है वो एक्स है, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा L-x, सो द वॉल्यूम विल बी A×L-x। ठीक है, इक्वल टू nRT/2। ठीक है, अगेन यहाँ पर पिस्टन पर नेट फोर्स जीरो अप्लाई करते हैं। पिस्टन का मास मान लेते हैं स्मॉल n। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि पिस्टन के ऊपर जो गैस है उसका प्रेशर P0 है, और वो पिस्टन पर डाउन डायरेक्शन में P0A फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, सो वी हैव P0A+mg इक्वल टू PA। ठीक है, जो नीचे वाला गैस है वो पिस्टन पर अपर डायरेक्शन में PA फोर्स अप्लाई करेगा, और इस तरह से पिस्टन इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, अगेन यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो गैस है वो पिस्टन पर डाउन डायरेक्शन में P' A फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, ये हो जाएगा P'A+वेट ऑफ द पिस्टन mg एंड दिस विल बी इक्वल टू द प्रेशर अप्लाइड बाई द एटमोसफेयर दैट इज P0×A, P0×A, और इस तरह से इस केस में पिस्टन इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, क्या करते हैं कि इसको लिखते हैं P'A इक्वल टू हो जाएगा P0A-mg। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है ये है PA इक्वल टू दिस इज P0A+mg।
ठीक है, तो दोनों को ऐड करते हैं। एडिंग वी हैव पी ए प्लस पी डैश ए इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू टू इंटू पी नॉट ए। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि पी ए और पी डैश ए की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं कि एन आर टी की वैल्यू यहाँ से इसमें पुट करते हैं। एन आर टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एल, ये हो जाएगा पी नॉट ए एल और ये हो जाएगा पी नॉट ए एल बाई टू। ठीक है, सो दिस इंप्लाई दैट पी ए, यहाँ से पी ए की वैल्यू हो जाएगी पी नॉट ए इंटू एल डिवाइड बाई 3L बाई 4 माइनस एक्स प्लस पी डैश ए, तो पी डैश ए की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी पी नॉट ए एल बाई 2 इंटू एल माइनस एक्स। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 2 पी नॉट ए, 2 पी नॉट ए। ठीक है, तो पी नॉट ए को कैंसिल करते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम एक्स की वैल्यू इजली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट, तो ये हो जाएगा टू इंटू एल माइनस एक्स प्लस 3L/4 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 इंटू एल माइनस एक्स इंटू 3L/4 माइनस एक्स। ठीक है, दिस इक्वल टू ये हो जाएगा 2/L, 2/L। ठीक है, सो दिस इंप्लाई दैट, तो इसको कॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 4L माइनस हो जाएगा 2L² माइनस 2LX प्लस 3L²/4 माइनस LX, एंड दिस इज इक्वल टू 4 इंटू, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 3L²/4 माइनस LX माइनस 3L/4 इंटू एक्स प्लस X². ठीक है, दिस इंप्लाई दैट, तो ये हो जाएगा 2L², ये दोनों मिलकर हो जाएगा माइनस 3LX, और इन दोनों को ऐड करें ये हो जाएगा 11L² / 4, दिस इज 11L² / 4। ठीक है, इक्वल टू, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 3L² माइनस ये हो जाएगा 7LX/4, सो दिस इज माइनस 7LX प्लस 4X². ठीक है, सो दिस इंप्लाई दैट, तो इन दोनों टर्म को इस तरफ लेके आते हैं, ये हो जाएगा 4X² माइनस 4LX प्लस 3L² माइनस 11/4L². ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4L². ठीक है, दिस इज 11² / 4
एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो वी हैव एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस फोर एल प्लस माइनस रूट अंडर 16 एल स्क्वायर माइनस फोर इंटू फोर इंटू एल स्क्वायर बाई फोर। ठीक है, दिस इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल डिवाइड बाई टू इंटू ए दैट इज एट। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट एक्स इज इक्वल टू फोर एल प्लस माइनस, तो यहाँ से फोर फोर कैंसिल और 16 माइनस फोर हो जाएगा 12 एल स्क्वायर दैट इज 2 एल इंटू रूट थ्री। ठीक है, डिवाइड बाई 8। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर प्लस नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अगर प्लस होगा तो जो x है वो ज़्यादा हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू टू एल माइनस एल रूट थ्री बाई फोर। सो फाइनली वी हैव एक्स इक्वल टू टू माइनस रूट थ्री बाई फोर इंटू एल। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर हो गया और ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।